जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक सोच नहीं बदलेगी। अमृत मंथन भी जब हुआ था तो पहले जहर निकला, 75 वर्ष जहर निकला, अब अमृत की बारी है। अब अमृत की बारी है। एकल श्रीहरि के माध्यम से, एकल अभियान के माध्यम से ये जो सोच में थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन की प्रक्रिया को और अधिक तेज करने की आवश्यकता है। अब ये सुगम हो रहा है, भगवान की कृपा है, परमात्मा की कृपा है कि अब हम सब लोगों को अपने अस्तित्व का और अपने व्यक्तित्व का अभी मूल कारण मालूम हो रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका एकल भारत में और आप मेरे साथ देखना शुरू कर चुके हैं स्पॉटलाइट। मैं हूं ब्रजेश तिवारी। बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक बात ज्यादा जानना ज्यादा जरूरी है कि आज के समाज में जो संस्कार है मानो भारतीय सभ्यता से लुप्त होते जा रहा है। ऐसे में हमारे साथ ऐसे व्यक्तित्व हैं जो इसको जगाने का, मानो में ऊर्जा लाने का काम करते हैं। संगठन एकल अभियानी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हैं। तो शुरुआत सर आपके नाम से और आपके घर पद से करते हैं। एकल श्रीहरि से मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। मुंबई में जब एकल की स्थापना हुई थी उस समय से ही एकल के साथ मिल करके संस्कार के सिंचन के काम में हम सब लोग लगे हुए। एकल का काम बहुत ही विशिष्ट काम है। जिस तरीके से पंचमुखी योजना के माध्यम से हम सब लोग समाज परिवर्तन की दिशा में काम कर रहे हैं वो अभूतपूर्व काम। हम देख रहे हैं कि शहर का समाज और गांव का समाज बिल्कुल बटा हुआ है। जब हम गांव में जाते हैं तब एक अलग दशा और दिशा देखने को मिलती है, वहीं जब शहर में आ जाते हैं तो वहां का जो स्वरूप है, वहां की जो व्यवस्था है और व्यवस्था क्या वहां की जो अव्यवस्था है वो भी देखते हैं। जब हम गाँव में जाते हैं तो वहाँ की जो सरलता है, जो सहजता है, जो एक दूसरे से मिल करके और बांट करके खाने और खिलाने की व्यवस्था है, वही वास्तव में हमारे समाज की संस्कृति है। लेकिन अगर शहर की बात करें, शहरी आबादी की बात करें तो उनको लगता है कि 5 स्टार होटल में चले जाना ही मतलब विकसित हो जाना है, आगे बढ़ जाना है, अपने आप में संपन्न हो जाना है। लेकिन अगर हम गाँव की बात करें तो वो जोड़ने का काम करते हैं। हमारी ही सभ्यता में ये दो विचारधारा कैसे आ गई? हमारे यहाँ कहा गया कृणवंतो विश्वम आर्यम। आइए हम सब लोग श्रेष्ठ हैं और श्रेष्ठ बने, दूसरों को भी श्रेष्ठ बने, ये हमारे देश की संस्कृति है। हमारे देश की संस्कृति हावी होती है, लेकिन एक बात और है, हमारे देश की संस्कृति में सिखा रखना था, जैसे आपने तिलक लगाया, मैंने तिलक लगाया, तिलक लगाना था। लेकिन आज के दौर में ना, जब कोई अगर दिल्ली में, मुंबई में, आप मुंबई से हैं, ऐसा करता है तो उसे बहुत आउटडेटिंग सोचा जाता है कि बहुत पिछड़ा है। कि हम तिलक क्यों लगाते हैं इस बारे में आज के बच्चों को, आज के लोगों को समझाना पड़ेगा। हमें शिखा क्यों लगानी चाहिए, हमें शिखा क्यों रखनी चाहिए, शिखा का मूल कारण क्या है, इस देश का आर्य शिखा क्यों रखता है, उस बात को अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि से दूसरे लोगों को बताने का प्रयत्न करेंगे और लोगों को समझाने का प्रयत्न करेंगे तो शायद ये बात उनको समझ में आएगी। जैसे पहले गौ के प्रति उतनी ज़्यादा चेतना नहीं थी, आज क्यों है? क्योंकि गोमूत्र के द्वारा, गोबर के द्वारा जो आज उत्पाद बन रहा है, उस उत्पाद का जो महत्व लोगों की समझ में आ रहा है, तो वह जब समझ हम विकसित करेंगे हमारी जिम्मेदारी। कानपुर में एक हमारे व्यक्ति हैं, वो गोबर से प्लाई बना रहे हैं। वो प्लाई बना करके, और उन्होंने ये सिद्ध किया है कि जितनी भी गोबर से बनाई गई प्लाई है उसके ऊपर सूर्य के द्वारा यानी बाहर के प्रकाश से जो एक प्रकार की अनैसर्गिक जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया से उनको निजात मिलती है, वो ज़्यादा ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये बात किसको समझानी पड़ेगी? लेकिन आप जो बात बीच में रोक दिए उसको पूरा कीजिए। तिलक और शिखा की बात बता रहे थे, तो मेरे दर्शकों को पता चले कि आखिर तिलक और शिखा क्यों रखनी चाहिए। तिलक इसलिए रखना चाहिए क्योंकि ये हमारे हम किसका पूजन, हमारे बुद्धि का जो स्थान है वो हमारा तिलक है, और यही वो स्थान है जहाँ पर तीनों नाड़ियाँ आकर के मिलती हैं। इन तीनों नाड़ियाँ जहाँ पर मिलती हैं वहाँ पर जब चंदन लगता है तो वो उसको शांत रखता है,
और वहाँ पर अगर कुमकुम लगता है तो कुमकुम क्या होता है, चूने में हम केवल हल्दी में चूना डाल देते तो वो कुमकुम बन जाता है। वह कुमकुम, वह हल्दी जब चूने के साथ मिलती है तो हमारे यहाँ की जो प्रक्रिया होती है, जो केमिकल रिएक्शन होता है, जो रासायनिक प्रक्रिया होती है, वह उसको और तेजस्विता प्रदान करती है, यानी उसको समझ पर उसकी उसको और अधिक स्पीड अप कर देती है, उसको और ज़्यादा उत्तेजित कर देती है। उस उत्तेजना के कारण हमारा जो विवेक होता है, हमारी जो बुद्धि होती है, वो सारी की सारी नियंत्रित होती है और हम ठीक ढंग से सोच पाते हैं। इसलिए तिलक लगाते हैं या चंदन लगाते हैं, दो ही चीज़ लगाते हैं, या फिर भभूत लगाते हैं। जो वैष्णव जो शैव लोग हैं वो भभूत लगाते हैं। राख क्या करती है, राख भी हमारे चित्त को शांत रखती है, इसलिए तिलक लगाया जाता है, ऐसे ही नहीं लगाया जाता। कहाँ लगाना चाहिए इसकी भी व्यवस्था है, किस जगह से लगाना चाहिए, यहाँ लगाना चाहिए, यहाँ लगाना चाहिए, कहाँ लगाना चाहिए, तो सुषुम्ना नाड़ी यानी तीनों नाड़ियाँ आप यहाँ पर ऐसे करो तो आपको कुछ ये उत्तेजना मिलेगी। कहाँ लगाना चाहिए तिलक और किस तरीके से लगाना चाहिए, उसके पीछे का विज्ञान अगर हम समझ लें तो फिर हमें उसके फॉलो करने का ज्ञान प्राप्त होगा। इस बात से उसको ध्यान रखना। अब बात शिखा की, शिखा जो है वो हमारे मूल, यहाँ हमारा मस्तिष्क है, यही सबसे ज़्यादा ये जो केंद्र है यही सबसे ज़्यादा कोमल केंद्र है। इसको अधिक से अधिक बालों से घिरा रखेंगे और अधिक उसको पुष्ट बनाएंगे तो यहाँ से निकलने वाली होने वाली सभी प्रकार की प्रक्रियाएं वह अधिक सुरक्षित रहेंगी और संरक्षित रहेंगी। इसलिए हमारे यहाँ शिखा की व्यवस्था की। तिलक का इतना अच्छा महत्व है, शिखा का इतना अच्छा महत्व है, दुर्वासा ऋषि की बात करें या फिर महर्षि कड़क की बात करें, उन्होंने बांस की फोफी से या सूक्ष्म अपनी आंखों से परमाणु का आकार बता दिया। वेद पुराण हमारे इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इतनी ज़्यादा साइंस की बातें करते हैं, फिर भी हमें सब पैरों का देश कह दिया जाता था। लेकिन जो ये इमेज बदलने वाला काम है, ऐसा नहीं लगता ये बस 8-9 सालों में हो रहा है, ये पहले भी हो सकता था? बिल्कुल ये बात ठीक है कि पहले हो सकता था, हमने किया नहीं। वो क्यों नहीं किया, उसका कारण बनता है जब हम किसी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो वह संक्रमण काल होता है। गए 75 वर्ष मैं समझता हूँ शायद ये संक्रमण का काल है। हम गुलामी से और अपनी आज़ादी की ओर प्रवेश कर रहे थे तो उस समय कुछ कंटका किरण मार्ग आए, स्वयं स्वीकृत न सुगम कार्य, हमने उसको स्वयं स्वीकृत करके सुगम कार्य बनाया। अब ये सुगम हो रहा है, भगवान की कृपा है, परमात्मा की कृपा है कि अब हम सब लोगों को अपने अस्तित्व का और अपने व्यक्तित्व का अभी मूल कारण मालूम हो रहा है और हम उसकी ओर बढ़ चले हैं। मैं समझता हूँ आगे आने वाले 15-20 वर्ष वाकई में ये अमृत महोत्सव है आज़ादी का। इसमें यह जो भारत की संस्कृति का, भारत के ज्ञान का, भारत के विज्ञान का जो अमृत मंथन हो रहा है, तो जब अमृत मंथन हुआ था, एक बात ध्यान में रखना, अमृत मंथन भी जब हुआ था तो पहले जहर निकला, 75 वर्ष जहर निकला, अब अमृत की बारी है। अब उच्च श्रवा घोड़ा निकलेगा। बिल्कुल सर, जिस तरीके से आपने कहा कि अब अमृत की बारी है, लेकिन अगर मैं आज की जनरेशन की बात करती हूँ तो वो लगातार वेस्टर्न कल्चर की ओर जाते जा रहे हैं, और जैसे कि आपने शुरुआत में ये बात बोली, लेकिन कहाँ बदलाव लाने की ज़रूरत है, आखिरकार कमी कहाँ रह गई है, क्यों आखिरकार ऐसा हो रहा है? हम अगर पूरे अच्छी तरीके से देखें तो इसमें भी बहुत बड़ा परिवर्तन है। ये बात ठीक है कि हम पाश्चात्य की ओर जा रहे हैं क्योंकि चमक दमक वहाँ ज़्यादा है, हमारे लोगों के सोच में अभी भी परिवर्तन करने की और अधिक आवश्यकता है। कारण यही है कि एक कि पश्चात के पास चमक दमक बहुत होने के कारण हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, हमारे पर भी थोड़ा प्रभाव, हम देखते हैं कि अंग्रेजियत हमारे ऊपर भी है, उसका प्रभाव हमारे पर भी, आपने भी अंग्रेजी में ही सब लगा रखा है। तो ये मानस के ऊपर है, हम इसको बदल नहीं सकते। लेकिन आज हमारे अभी कुछ दिन पहले कानून, अभी नया कानून हमारा कहिए लॉ IPC, अभी तक हम कह रहे थे 1835 का वो कानून चलता आ रहा था, अब जाके उसको उसका संशोधन हुआ है। अभी भी हमारे जो कोर्ट प्रोसीडिंग है वो पूरा इंग्लिश में ही होता है, ये क्या लगता है, इस सोच को अभी बदलने में कितना और वक्त है?
ये तो मैं नहीं बता सकता कितना वक्त है, लेकिन जल्दी बदलेगा, हमें बदलना चाहिए। जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक सोच नहीं बदलेगी। हम आप एकल श्रीहरि के माध्यम से, एकल अभियान के माध्यम से ये जो सोच में थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है, इस परिवर्तन की प्रक्रिया को और अधिक तेज करने की आवश्यकता है। तो इसको कैसे तेज किया और इसको तेज करने के लिए केवल और केवल एकमात्र साधन ये है कि हम अधिक से अधिक युवाओं के साथ जुड़ने की कोशिश करें। हम सब लोग बहुत सारी विश्वविद्यालय वगैरह में जाता हूँ, बच्चों में बड़ी क्यूरियासिटी है, बच्चों में बहुत ज़रूरत है, वो जानना चाहते हैं कि क्या है। हम उनको ठीक ढंग से समझा नहीं पाते, और जिस दिन हमने उनको सही तरीके से समझाने की चेष्टा की, उस दिन से ये बदलाव की प्रक्रिया में और भी तेज़ी आ जाएगी, और हम सब लोग और तेज़ी के साथ अपनी संस्कृति के माध्यम से मानवता के कल्याण के, हमारी संस्कृति अपने लिए नहीं है, वो संपूर्ण मानवता के लिए है, इसलिए इस मानवता के कल्याण के लिए हम सब लोग और तेज़ी के साथ आगे बढ़ेंगे। युवा को जोड़ लेंगे तो समाज में बहुत तेज़ी से परिवर्तन आ जाएगा। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता पदाधिकारी और हमारे श्रीहरि के मार्गदर्शक। तो स्पॉटलाइट में हम ऐसे ही व्यक्तित्व से मिलाते हैं जो पर्दे के पीछे से बेहतर भारत बनाते हैं। अगला वीडियो आप ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ, देखिएगा एक अलग व्यक्तित्व को। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत कीजिए, नहीं तो ऐसी विचारधारा सुनने को नहीं मिलेगी। नमस्कार।